और ये लगा लिया भाई हमने अपना सेटअप, ये रखी बेल्ट, और ये देखो इससे ये जितनी भी रिफ्लेक्शंस है ना, जितनी भी लाइट है वो इसके अंदर ही आएगी। और ये मैंने ना फोल्डेबल बनाए, तो मैं इसको फोल्ड भी कर सकता हूँ। ये मैंने दिमाग लगा लिया था थोड़ा सा। और ये देखो बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ यहाँ रखी हैं। अभी करते हैं शूट स्टार्ट और देखते हैं फ़ोटोज़ लगी कि हमें जैसे चाहिए वैसी आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आएंगी तो फिर क्या चेंजेस और करने पड़ेंगे वो भी देखते हैं भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंस ने। हम लोग तो भाई कैसे हैं आप सब। और आज भाई देखो मैं हूँ स्टूडियो में और मैं कर रहा हूँ कुछ क्रिएटिव काम। और ये जो काम है ना, ये पिछले 3-4 दिन से मैं कर रहा हूँ, बट जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए ना वो अभी तक मिला नहीं है। तो मेरे दिमाग में ना खलबली सी मची हुई है कि यार ऐसा कैसे नहीं आया, मतलब जो मैं चाहता हूँ वो हो क्यों नहीं रहा है। तो मैं सुबह उठते ही बस मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं वीडियो देख लूँ और मैं फिर अपना 10, 10:30, 11 बजे स्टूडियो पहुँचाऊँ और फिर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। अभी भी देखो कितना तामझाम मैंने फैला रखा है और आज मैं इसको फाइनली, मतलब कोशिश मेरी यही कि जो मुझे चाहिए ना जैसा एग्जैक्ट आउटपुट इस शूट का, मैं वो करके ही छोड़ूंगा। अभी देखो ये रखी बेल्ट, शूट करना है इसका। और इसके अंदर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये जो सरफेस है ना, ये बहुत ज़्यादा शाइनी है, इसका ना कलर सही नहीं आ रहा। तो ये मैंने वहाँ पे भी शूट करके देखी है, दो लाइटों पे ये मैंने ये लगा रखी, ये रिफ्लेक्टर रखा हुआ, ये अपना 24-105। अभी मैं 90mm मैक्रो पे शूट कर रहा हूँ और ये बहुत सारे थर्मोकोल जो है मैं लेके आया हूँ। अभी मैं इससे बना रहा हूँ एक जुगाड़, और जुगाड़ क्या है ना वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने एक शीट ली है ये A4 साइज़ की, और ये मैंने ना कट कर लिया आधी, इसके दो टुकड़े कर दिए और इसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं। और ये रही फेविकोल जो मैं ले आया, पहले मैं गोंद लेके आ रहा था पर उससे सही चिपकता नहीं है, तो मैं ये लेके आया हूँ। अब इससे पहले इसको चिपकाएंगे और ये दोनों पीसीस जो है फिर फोल्डेबल हो जाएंगे। और ये लगा लिया भाई हमने अपना सेटअप, ये रखी बेल्ट, और ये देखो इससे ये जितनी भी रिफ्लेक्शंस है ना, जितनी भी लाइट है वो इसके अंदर ही आएगी। और ये मैंने ना फोल्डेबल बनाए, तो मैं इसको फोल्ड भी कर सकता हूँ। ये मैंने दिमाग लगा लिया था थोड़ा सा। और ये देखो बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ यहाँ रखी हैं। अभी करते हैं शूट स्टार्ट और देखते हैं फ़ोटोज़ लगी कि हमें जैसे चाहिए वैसी आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आएंगी तो फिर क्या चेंजेस और करने पड़ेंगे वो भी देखते हैं भाई। और मैं पहुँच गया हूँ भाई घर पे, और घर पे भाई गर्मी बहुत लग रही थी इसलिए मैं फटाफट से आया, मैंने मुंह धो लिया ये, और अभी मैं खा रहा हूँ छल्ली बुट्टी। क्योंकि मैं नीचे से आ रहा था ना, तो एक अपना पुराना जो बेचने आता ना वो दिख गया मेरे को। मैंने कहा इधर आ भाई, तो बोला 40 रुपये की। मैंने कहा 40 नहीं 30 रुपये पहले तो। और फिर मैं ले आया छल्ली बुट्टी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है भाई। ये मसाला लगवा के लाए हैं, बूनू बैठा है, बूनू भी भूखा बैठा है। बूनू को पता नहीं आज कैसे भूख लग गई, अभी वो खाना खाएगा फिर शाम को दोबारा से खाएगा। अब खाएंगे अभी खाना, और आज खाने में है चावल, दाल, रोटी और आम का अचार। और ये वाला जो अचार है ये हम बुआ से ही लेके आए थे, ये बुआ ने घर पे ही बनाया है, बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ जाएगा इसको खा के। और भाई मैंने अभी इमेजेस देखी है जो मैं मतलब दिन में कुछ शूट करके लाया हूँ, तो बेसिकली ना मुझे उसमें मज़ा नहीं आया उतना जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि होनी चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या था, एक जो है ना लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बाउंस कर रही है बहुत ज़्यादा वाली, और उसमें जो क्लैरिटी है ना वो उतनी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि वाइट जब बाउंस होकर जब लाइट जा रही है ना बेल्ट पे, तो उसमें थोड़ा सा मतलब उसका टेक्सचर जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो अभी मैं फिर दोबारा से जाऊँगा और मैं दोबारा से उसको शूट करके देखूँगा। ये ना बहुत ही मतलब ऐसा शूट हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की कमी हो रही है। हमने इतने सारे शूट किए हैं बट क्यों इसमें ऐसा आ रहा है, या तो लाइट सही नहीं जा रही है या क्यों हो रहा है ना, मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है। और जब तक ये सैंपल पास नहीं होगा ना तब तक आगे का शूट जो है रुका रहेगा। अभी हमारे स्टूडियो में कम से कम 100-150 प्रोडक्ट जो है ना वो पड़े हैं, वो इसलिए ही पड़े हैं क्योंकि जब तक एक प्रोडक्ट ओके नहीं होगा आगे शूट नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आगे शूट कर दिया बाकी प्रोडक्ट का, तो वो मैनेज जो है ना ख़राब हो जाएगी। क्लाइंट को अगर पसंद नहीं आए या उसने बोला कि नहीं ये चेंजेस चाहिए, तो फिर दोबारा से शूट करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी दोबारा जाऊंगा स्टूडियो, दोबारा से हम अपना सेटअप लगाएंगे। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से लगा के देखूंगा, थोड़ा लो एक्सपोजर में शूट करेंगे ताकि बाद में हम उसको पोस्ट में थोड़ी सी जो उसकी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लें। बट मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, मैंने 4-5-6-7-10 तरीक़ों से शूट करके देख लिया और किस तरीके से सबसे वो अच्छा आएगा ना वो समझ ही नहीं आ रहा। क्लाइंट ने जो भेजा हुआ है बेसिकली उसमें एक चीज़ है कि वो एक टेंट आता है जिसके अंदर रख के हम प्रोडक्ट को शूट करते हैं, तो वो उसमें शूट हुआ है बट हम वो यूज़ नहीं करते। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना क्लाइंट को ये कि मुझे वैसे चाहिए, और मुझे ये कि यार मैं क्यों ही 5-6 हज़ार रुपये अभी खर्च करूँ
और अगर आगे शूट आता है ना दोबारा से क्लाइंट का, तो हम उसको ले लेंगे क्लाइंट को, अभी नहीं लेना मैं चाहता, बस इसलिए मैं इतनी मतलब बार बार ना उस चीज़ को शूट कर रहा हूँ। एल्स टेंट में तो आई थिंक 10 मिनट में शूट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मैं थोड़े से पैसे बचाना चाह रहा हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि जब तक श्योरिटी नहीं होती ना क्लाइंट की कि हाँ भाई आगे काम करेगा, तब तक बार बार पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। मंगाने को तो 10 मिनट में टेंट आ जाएगा, मैं लाजपत नगर से मंगा सकता हूँ, पेमेंट कर दूंगा, वहाँ से वो पोर्टर से भेज देंगे और स्टूडियो पहुँच जाएगा, बट फ़ायदा नहीं है। अभी अर्निंग 1 रुपये की भी नहीं हुई है, और हम अगर उसी में 6-7 हज़ार रुपये लगा दें तो वो आई थिंक सेंसलेस चीज़ है। अभी इसी को पास करवाएंगे, अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ ठीक है पूरा शूट कर दो, देन फिर मैं उसी दिन जो है टेंट परचेज कर लूँगा और फिर हम उसमें शूट करेंगे। और ये देखो ये कोना है, ये बॉल से डर रहा है, ये बूनू आ गया, बूनू की मम्मा भी आ गई, ये दोनों खूब घूम के आए हैं, ले ले चल ले गया इसको, ले गया ले गया ले गया इसको, ले गया जल्दी 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 बेटा खेलते हैं इससे, जल्दी ले गया ले 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 आज मत खेल मत खेल तू आज नहीं पचा। अब ये लगा हुआ अपना सेटअप भाई, इतनी देर में हमने बहुत कुछ सेट किया है, बस ये वाली और एक बार चेक करके देखते हैं। हाँ जी क्या हो गया बेटा, बॉल बॉल से क्या लगता है मेरे बेटे को, ओ भाई साहब चल रख दूँ ला मैं रख दूँ ला मैं रख दूँ यहाँ रख ले इसको, ठीक है यहाँ रख दिए, तू बैठ जा। अरे हम आ गए हैं भाई घर पे, और ये रहा मेरा छोटू, ये देखो मैं उन्हें छोटू दिखाता हूँ आपको, ये देखो मेरा छोटू, ये रहा मेरा छोटू, ये पापा का छोटू है, ये पापा का छोटू, पापा बेटा सोएंगे अभी, दोनों पापा बेटा सोई सोई करेंगे भाई, ओह हो पारा बच्चा मेरा, ओह पापा मेरे पापा आ गए मेरे पापा, ऐसे बोलता है तू, अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता क्या, अच्छा जल्दी बता रहे छोटा है, छोटा है ये हमारा, हमारे घर का छोटा है ये, हमारे घर का छोटा है ये, पापा के बिना इसका मन नहीं लगता, उदास हो जाता है ये, है ना, इसलिए तो पापा के पास आ गया था पक्षे भाग के, मैं अपने पापा के पास चलूँगा भाई, है ना, अच्छी बात है, कभी शो शो करेगा पापा, शर्ट सोएगा तू नहीं सोएगा, ये पापा के शर्ट सोएगा है, पापा शर्ट सोएगा या नहीं सोएगा, नटंगी मत करियो, अभी तो ये खाना खाएगा, इसका खाना रखा है यहाँ पे, ये खाना खाता है रात को और फिर सोएगा, ये देखो अभी प्यार कर रहा है मेरे को, कुछ कह रहा है ये, मेरे को कुछ कह रहा है ये, इसकी भाषा पापा ही समझ सकते हैं भाई, इसकी भाषा में तो पापा ही समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता, है ना बोलो, फिर सुबह चलेंगे ना पार्क में, मेरा बेटा और मैं पार्क भी तो जाएंगे ना सुबह, है ना, हम पार्क जरूर जाते हैं भाई, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बूनू के फ्रेंड देखना तो जरूरी है। और भाई आज का जो दिन है ना वो बहुत अच्छा लगा, बस बिजी बहुत ज़्यादा था, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 2:30 बज रहे हैं, तो हम आए स्टूडियो से 2 बजे, तो बस 10 मिनट थोड़ा फ्रेश वगैरह होने में लग गए, और बाकी 10 मिनट कुछ खाए खाने में, अरे भाई साहब क्या हो गया बूनी, इना प्यार सो जा चुपचाप से, अब सुबह भी जल्दी उठेंगे भाई, फिर और भी कुछ काम करना है, दिन ऐसे निकल जाता है भाई, फुल पता ही नहीं चलता कब दिन चला गया, अरे भाई साहब बूनी बूनी हो गया पागल, बूनी पागल हो गया। और भाई ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सारे दिन ऐसे ही बिजी बिजी निकल जाएं, बस अच्छा अच्छा काम हो जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, और मिलते हैं हम आपसे कल नए दिन पे, नई शुरुआत के साथ करेंगे नई चीज़ें शेयर, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।